जहांगीरपुरी से हम आपको अपनी ये खास पेशकश दिखाएंगे। ये वही जहांगीरपुरी है जहां पर हनुमान जयंती का जो समारोह था वो अचानक एक दंगे में तब्दील हो गया। हिंसा भड़क गई, बोतलें चली, पत्थर चले, हाथों में तलवारें लहराई गईं। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, उससे बढ़कर ये सवाल था कि क्या ऐसा किया जाएगा, किस तरह की कार्रवाई ऐसी की जाएगी ताकि फिर कभी इस तरह की हिंसा, इस तरह के दंगे देखने को न मिले। और कोशिश भी यही थी कि न सिर्फ अवैध निर्माण बल्कि उस अवैध सोच पर बुलडोजर चले। हालांकि जब यहां पर बुलडोजर आए, कार्रवाई शुरू हुई, उसके साथ ही अदालत में मामला पहुंचा, सुनवाई हुई, रोक लगी। जो कुछ यहां पर हुआ है वो आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सुबह का वो हिस्सा जब बुलडोजर यहां पर पहुंचे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहां पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। इधर का बुलडोजर वाला ले उठा के ले जाएगा। आज सुबह मालूम चला है कि बुलडोजर आएगा और दिल्ली पुलिस के जवानों का यहां पर अब शुरू हो चुका है। झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले, या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं, अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली, रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे। एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुँच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है। हम मौजूद है क्रेन में, दूसरा बुलडोजर अब आ गया है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हमारी लैंड के ऊपर कोई इंक्रोच करेगा उसके लिए हमने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हमें नोटिस देना पड़े। जहां पर सबसे पहली बार पत्थरबाजी हुई थी। एमसीडी का ये रूटीन काम है, इसमें पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वाली कोई बात नहीं है। सोलह अप्रैल शाम 5 बजे दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के 4 दिन बाद 20 अप्रैल को उसी जहांगीरपुरी में 3 घंटे तक चले बुलडोजर की कहानी शुरू होती है सुबह 8 बजे से। जब जहांगीरपुरी के घरों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें तमाम आशंकाओं का शोर छिपा रहा। दुबके हुए लोग अपने छज्जों दीवारों की ओट लेकर सहमे से नजर आते दिखे। सुबह 8 बजे से ही जहांगीरपुरी में कबाड़ी मार्केट इलाके में यह हलचल रही। लोग अवैध रूप से अपना कबाड़ का सामान हटाने में जुटे दिखे। बुलडोजर आने से पहले बोरिया बिस्तरा समेटते हुए। आज सुबह मालूम चला है कि बुलडोजर आएगा, तो गरीब आदमी है, पेट के लिए रखा है, लाया चुन के दूर दूर से लाके अपना जोड़ के रखा है, तो इसलिए वो हटा रहा है कि अपना रोटी पानी का जो जुगाड़ का पैसा है वो इसलिए वो हटा के दूसरी जगह रखा। बुलडोजर आने से करीब 1 घंटे 50 मिनट पहले, वक्त 20 अप्रैल की सुबह 8:10। सामान समेटने वाले जगह जगह नजर आ रहे थे। बुलडोजर वाला ले उठा के ले जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हम गरीब आदमी चाय पानी बेचता हूँ, खाता हूँ बच्चों लेके, इसलिए हम सारा सामान समेट के ले जा रहा जैसा हमारा नुकसान ना हुए। अब क्या करूंगी, क्या करना है, तो सामान लेके जाना। जब सरकार बोल रहे ले जाओ तो लेके जा रहे, बोल रहे बैठ जाओ तो बैठ जा रहे। सरकार का हम लोग जो सरकार बोल रहे हम लोग वही कर रहे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर आने से 1.5 घंटे पहले, वक्त 20 अप्रैल की सुबह 8:30। जिस जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को कम पुलिस वालों की मौजूदगी में हिंसा भड़क गई, वहां का चप्पा चप्पा सुरक्षा कर्मियों की फौज से पटा दिखा। वजह बुलडोजर आने वाला है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है, हाथों में डंडे हैं, सभी तरह के प्रोटेक्टिव वेयर्स उन्होंने पहने हुए हैं।
कंधों पर आंसू गैस के गोलों का बॉक्स है। जहांगीरपुरी में मस्जिद से लेकर पत्थर चलने वाली हर जगह तक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौजूद दिखे। वजह, बुलडोजर आने वाला है। किस तरीके से जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको संभालना है, उसको देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखें तो जो बकायदा पुलिस के जवान हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट में और लाठी डंडों के साथ, टीयर गैस अगर आप देखें तो टीयर गैस की जो सेल है वो भी पुलिस वालों के पास मौजूद है। थोड़ा और वक्त बीता बुलडोजर आने से करीब एक घंटा पहले 20 अप्रैल की सुबह 9 बजे। अब बुलडोजर चलने में 60 मिनट बाकी थे। शुरू होता है फ्लैग मार्च। मकसद, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और हर हाल में जनता को शांति का भरोसा देना। ये जो फ्लैग मार्च है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का और दिल्ली पुलिस के जवानों का यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। पुलिस मौजूद है, महिला जवान मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है, आज तक संवाददाताओं की पूरी टीम मौजूद है और फिर सुबह 10 बजे एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और यह बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, अब यह बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, जमकर बवाल हुआ था। और अब यह बुलडोजर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, हालांकि इस बुलडोजर का नाम अब बाबा का बुलडोजर पड़ चुका है, लेकिन राजधानी में पहली बार पहुंचा है। फिर क्या हुआ उस कुशल चौक के पास जहां पर पत्थर चले? फिर क्या हुआ उस मस्जिद के पास जहां से 16 अप्रैल को हिंसा भड़की? आगे की कहानी बुलडोजर वाले एक्शन के सबसे करीब मौजूद रहकर इस स्टोरी को कवर कर रही आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप बताएंगी। ये इंसाफ के बुलडोजर अवतार की तस्वीर है जो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं, लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर जो रिएक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बुलडोजर समस्या है या फिर समाधान है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे बुलडोजर्स के साथ, अलग अलग जगहों पर जूस कॉर्नर जो भी अवैध था, चाहे वो मस्जिद चाहे वो जूस कॉर्नर, जो भी अवैध निर्माण था, अगर अवैध है तो टूटेगा, इसकी तस्वीर आई। मस्जिद के सामने जितना अवैध निर्माण था उसे रोक दिया गया है। यहाँ से दुकानें गिनते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पहली दुकान आप देख रहे हैं, दुकान नंबर एक, दुकान नंबर दो, ये तीसरा जिसमें आप देख रहे हैं मोटर पार्ट्स का काम किया जा रहा था, तीसरी दुकान, उसके बाद चौथी दुकान दिखाइए, उसके बाद पांचवी दुकान, छठी दुकान, सातवीं दुकान आप देख रहे हैं, ये देखिए सातवीं दुकान, उसके बाद आठवीं दुकान है, ये जीनत कम्युनिकेशन, नौवीं दुकान, 10, 11, 12, एक मस्जिद के सामने 12 दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही। मस्जिद के पास 12 दुकानें तोड़ी गई। ये देखकर ये कतई मत सोचिएगा कि कार्रवाई बुलडोजर की एक तरफा हुई है। ये कतई मत फैसला कर लीजिएगा कि बुलडोजर किसी को पहचान कर चला है। ये भी मत मान लीजिएगा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने सिर्फ चुन चुन कर जमीन दोज किया है। पूरी कहानी इसीलिए आपको देखना जरूरी है क्योंकि बुलडोजर की जहांगीरपुरी में एक्शन में सुबह 10 बजे आने के बाद फिरोजी रंग के ठेले पर ये दांत बुलडोजर के गड़ जाते हैं, ठेला मिट्टी हो जाता है। इसके बाद दूसरी दुकान को सड़क किनारे जो अवैध तरीके से दावा है चल रही थी, बुलडोजर दबा देता है। इन्हीं दुकानों में एक दुकान रईमा की है जो जहांगीरपुरी में अपनी दुकान पर बुलडोजर चलता देख जमीन पर बैठ जाती है, अपने सिर पर चढ़ा कर्जा गिनाने लगती है। 2 लाख का कर्जा है, बंधन माला से पूछ लो, बंधन माला
बंधन वाला को कुछ 5 लाख कर्जा 5 लाख रही मा हमें कुछ बोला नहीं है सामान। तुम बताओ बंधन वाला को पूछ लो 2 लाख का कर्जा, उनसे 2 लाख का लोन लिया। रहीमा की दुकान क्या गलत तरीके से तोड़ी गई या गलत तरीके से ही अवैध रूप से चलती आ रही दुकान को अब दंगे के बाद शुरू हुई कार्रवाई में सही तरीके से बुलडोजर ने तोड़ा, क्योंकि दुकान सिर्फ रहीमा की नहीं टूटी। बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियाँ या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बुलडोजर चल रहा था, फिर एक और आता है, दूसरा बुलडोजर अब आ गया है। ये दूसरा जेसीबी आप देख रहे हैं, एनडीएमसी के ये तमाम कर्मचारी है जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। समझ लीजिए पहले की जहांगीरपुरी में ये वो गली है, ये वो इलाका है जो मस्जिद के पास है। मस्जिद कौन? वो जिसके पास से ही 16 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलने के दौरान विवाद हुआ। यहाँ पर लोग नाराज दिखे, छतों पर इकट्ठा होकर विरोध करते दिखे, लेकिन जमीन पर विरोध नहीं कर पाए। ये देखिए अब टारगेट किया जा रहा है सीधा घर को, सीधा ये जो जूस कॉर्नर है उसको अब गिराने की तैयारी में एमसीडी नॉर्थ। ये देखिए एक एक करके जितनी चीजें रास्ते में आ रही है उसे ये किया जा रहा है। अब ये देखिए जूस कॉर्नर को इस हिस्से से गिराया जा रहा है। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा तभी बीजेपी के बड़े नेता जीवल नरसिम्हा ने एक ट्वीट किया जिसे बाद में डिलीट किया। उससे पहले जो लिख चुके थे वो ये कि जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, तो क्या अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई एक पक्षी है? क्योंकि जहांगीरपुरी में बुधवार को बुलडोजर चलने के करीब 6.5 घंटे बाद असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। ओवैसी यहां आकर अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं और फिर इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। जुलूम है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी। और बगैर नोटिस दिए लोगों को तोड़ना कंडेम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली सेटल्स किया, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। ओवैसी दो आरोप लगाते हैं, पहला कि एक तरफा कार्रवाई हुई और दूसरा आरोप ओवैसी का ये कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाया गया। जवाब बुलडोजर की कार्रवाई में ही सुनिएगा। गुप्ता जी जूस कॉर्नर भी अवैध रूप से बनाया हुआ मानकर एमसीडी उन पर कार्रवाई इस वक्त कर रही है। ये तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, न सिर्फ नीचे दुकान है बल्कि ऊपर भी आप देखिए 2 मंजिला है। ये आप देख रहे हैं लिंटर का एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिसे पूरी तरह से गिराती हुई एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्रेन के इस्तेमाल से लिंटर को पूरी तरह से ढा दिया गया है। यानी कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम पक्ष के नागरिकों के अवैध कब्जे पर ही नहीं हुई बल्कि बुलडोजर हिंदू नागरिकों के अतिक्रमण पर भी जहांगीरपुरी में चला है। तब ये दूसरा आरोप भी सुनना जरूरी है जो रहीमा की कहानी को ही फिर से देख कर सुनना होगा। जिनके पास आज तक संवाददाता पहुँचती है एमसीडी के मुताबिक अवैध रूप से सरकारी हिस्से पर कब्जा करके दुकान चलाने पर हुई कार्रवाई के बाद बिलखती रहीमा का संभलना मुश्किल है। आपका दुकान है ये? आपका दुकान है? कितने सालों से? देखिए लोग यहाँ पर काफी परेशान हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि किस तरह से उनका जो दुकान है वो तोड़ दिया गया है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बोला। ये यहाँ पे 30 साल से हूँ मैं। नोटिस वगैरह दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो पाइप चक्कर लगी थी। पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे हैं बुलडोजर? कुछ भी नहीं बताया। तो हमें एक बार सुबह बोल देते ना, मैं सारा सामान हटा लेती। अब यही सवाल सीधे आज तक ने उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से किया कि क्या बिना नोटिस दिए यहाँ कार्रवाई हो रही है? आपने नोटिस दिया है पहले, क्या किया है, कैसे आप एनक्रोचमेंट्स गिरा रहे हैं? देखो जो गवर्नमेंट लैंड है उस, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड का मतलब वो हमारी अपनी लैंड है, तो हमारी लैंड के ऊपर कोई इंक्रोच करेगा उसके लिए हमने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हमें नोटिस देना पड़े। मगर ऐसा है कि हमने इनको कई बार पहले भी चेतावनी दी है कि इसको साफ किया जाए और कई बार हमने एक्शन भी किया है।
ऐसा ही एक्शन उस मस्जिद के दरवाजे और बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण करके चल रही दुकानों पर भी लिया गया, जहां से हिंसा दोनों पक्षों में भड़की है। मस्जिद के गेट के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही मस्जिद है जहां 16 तारीख को हनुमान जयंती के मौके पर पूरा हंगामा हुआ था, और इस वक्त ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है आज तक पर, ये जेसीबी देखिए, इसका जो पॉइंट है वो मस्जिद के आगे जो गेट है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ उसके बीच में है, जो अवैध किया गया है, वो यहाँ पर तहस नहस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन हम देखिए ये इसी मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग आपको बगल में छतों पर नजर आएंगे जो तोड़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि ये टूटना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये सब कुछ अवैध निर्माण किया गया है। हालांकि एमसीडी एक तरफ जैसे ही जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने शुरू हुए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं भी लग गईं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून की नजर में जो भी अवैध, चाहे वो दुकान हो, सामान हो, कोई भी हिस्सा हो, उस पर तेजी से बुलडोजर को चलाया जा रहा था। तभी अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, रुक जाइए, यथास्थिति बनाए रखिए, और कल 11:15 बजे तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने के सीधे निर्देश देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से दिए जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके बुलडोजर यहां पर चलते रहते हैं। विरोधी दलों की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का मखौल कैसे उड़ाया जा सकता है, इस तरह की बातें यहां पर होने लगी। लेकिन वास्तव में सवाल ये खड़े हुए कि क्या जो बातें कही जा रही थीं सच्चाई बिल्कुल वैसी ही थी। जहांगीरपुरी में इस वक्त डिमोलिशन चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार डिमोलिशन का काम चल रहा है। ये वो इलाका है जहां पर पूरी तरह से सड़कों पर इंक्रोचमेंट हुआ था। क्या वक्त रहते ही बुलडोजर चलना बुधवार सुबह रुक जाता तो रमन झा जैसे लोगों को एक आस बंध जाती अपनी रोजी रोटी बची रहने की, जो पत्नी के साथ टूटी हुई दुकान के पास सामान समेटने में लगे। 35 साल से चला रहे, 84-85 से हूँ मैं। तो ये किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी पान की शॉप है। दुकान थी। क्या वक्त रहते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अधिकारी और प्रशासन देख लेते तो अतिक्रमण के खिलाफ चले बुलडोजर में अपनी टूटी दुकान देखकर उदास होते राकेश भी, निराश ना होते। जैसे हम लोग आए जैसे तोड़ना चालू कर दिया, पहुंचे थे उससे पहले से। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो दुकान थी कितने समय से यहाँ पर थी? जी ये 15-20 साल हो गए इसको। 15-20 सालों से, और आज अचानक से बुलडोजर चलने लगा अचानक से। बहुत से लोगों के लिए जहांगीरपुरी में ऐसी दुकानें जो सड़क किनारे सरकारी जमीन या नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बनी, ये दुकानें रोजी रोटी का आखिरी आसरा रहे, जिन पर चलते बुलडोजर को रोकने की कहानी में बुधवार की सुबह ही ट्विस्ट आया। पूरी टाइमलाइन देखिए। सुबह 8 बजे से जहांगीरपुरी में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचने लगे। सुबह 10 बजे से बुलडोजर चलने वाला था। सुबह 10:30 बजे जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगती हैं। इनमें से एक जहांगीरपुरी में चलने वाले बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से जुड़ी थी। सुबह करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे दिया। इसके बाद 11:30 बजे उत्तरी दिल्ली के कमिश्नर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, बुलडोजर का एक्शन जारी रहता है। इस बात का सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश के बावजूद जहांगीरपुरी में कार्रवाई जारी दिखी है। आप लोग को ऑर्डर मिला है? यही कर रहे हैं जी, ये खड़े अफसर यही खड़े हैं जी, यही पर करेंगे। इस हिस्से में आते हैं, आइए इधर से दिखाते हैं। इस हिस्से में अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन 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 कार्रवाई यहाँ पर दिख रहा है कि कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है मैम, हमारे पास, हमारे सीनियर के पास आएगा, हमारे सीनियर का भी कोई हमारे लिए कोई आदेश नहीं है जो मैंने बताया, इसीलिए आप तोड़ ही रहे हो। हाँ, तोड़ते रहेंगे। आप लोग को ऑर्डर नहीं आया रोकने का? यहाँ पर ऑर्डर नहीं आया रोकने का, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, लेकिन दोपहर तक कॉपी हमें कहाँ मिली के आधार पर बुलडोजर चलता रहा। कुल 3 घंटे चले बुलडोजर के दौरान सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए दूसरी बार दखल देनी पड़ी। बुधवार दोपहर 12:14 पर फिर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मामला लेकर पहुंचे। कहा कि देखिए अदालत का आदेश अब तक अधिकारी नहीं सुन रहे। इस बीच दोपहर 12:08 पर अदालत के आदेश की जानकारी देने के लिए लेफ्ट की नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंच जाती हैं। इसके बाद दोपहर 12:44 के पास स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जानकारी देते हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को अब रोक दिया गया है। साल 1975 की बात है जब संजय गांधी ने दिल्ली को सजाने संवारने का काम शुरू किया। उस समय इसके तहत
जो मुख्य सड़कें थी, जो मुख्य इलाके थे, वहां से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू किया गया। जहांगीरपुरी में पिछले चार दशकों से हिंदू भी बसते हैं और मुस्लिम भी बसते हैं। इससे पहले इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये राजनीतिक दावा किया जाता है कि धर्म देखकर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, तो फिर इसका सच जान लेना भी जरूरी हो जाता है। लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में जो अवैध निर्माण है, उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद, आप देख रहे हैं, मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है, उस सब को ढाया जा रहा है। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी की वही मस्जिद है जिसके बाहर 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के तीन दिन बाद उसी जगह पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा और मस्जिद के बाहर बने लोहे के विशाल गेट को गिरा दिया। इस वक्त ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है आज तक पर, ये जेसीबी देखिए, इसका जो पॉइंट है वो मस्जिद के आगे जो गेट है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ उसके बीच में है, जो अवैध किया गया है, वो यहाँ पर तहस नहस हो रहा है। अंजना, ये देखिए, ये मस्जिद का गेट है, ये मस्जिद का वो गेट है जो यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल अंजना, मेरे ठीक पीछे वो गेट है, मेरे ठीक पीछे वो गेट है अंजना, जिसको हम दिखा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जहांगीरपुरी में हुई इस कार्रवाई में धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया। तो का मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता चला है कि बुलडोजर ऐसे चलने वाला है? तो पता चला, तभी तो आई हूँ हम लोग। झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले, या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं, अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली? तो आप सामान को तकलीफ हो रहा है, रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे, बहुत आराम से, हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है, कभी रोजी रोटी छीना जा रहा है। आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहीं पे रहती हूँ, कोई आसमान में नहीं रहती, जाहिर सी बात दुनिया में ही रहती हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, तो ये सामान आप लोग सब लेके चले गए? तो अब क्या करूंगी, क्या करना है, तो सामान लेके जाना, जब सरकार बोल रहे ले जाओ तो लेके जा रहे हैं। तोड़ने से पहले ही न्यूज पे मैंने देख लिया था कि जो है इसको रोक दिया जाए, उसके बावजूद भी उन्हें पता चल गया कि ये रोक दिया जाए काम, उसके बावजूद भी आके उन लोगों ने तोड़ा है। आपको लग रहा है जानबूझ के टारगेट? जानबूझ के टारगेट। तो आपने जानबूझ कर अवैध निर्माण क्यों किया? अवैध निर्माण हमने क्या मतलब, देखो थोड़ा सा तो अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा छांव तो करनी पड़ती है, आदमी हर आदमी करता है। जहांगीरपुरी इलाके से आने वाली इन्हीं आवाजों के सुर में ओवैसी ने भी सुर मिला लिया और आरोप लगाया है कि सिर्फ एक समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी, और बगैर नोटिस दिए लोगों को तोड़ना कंडेम करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस क्या है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया, और आपने जहाँ तक मुझे मालूम है 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम वेरियस रेगुलर्स के हमने अनऑथराइज को, तो इन लोगों क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलराइज करिए ना, ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको, गलत है। आपको बता दें कि सुबह 9:40 पर एमसीडी के 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी में आए। जिस तरह से बुलडोजर को कवर देने के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवान तैनात किए गए, उससे अंदाजा लग गया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हिंसा वाली जगह की मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया, तो इससे दिल्ली का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया। आगे को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन ये वो जरा सा साइड हो जाएगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जामा मस्जिद के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गेट पर बिल्कुल बुलडोजर चला है। ये पूरी गली यहां से आप देख रहे हैं, ये लगभग यहां से 1-2 हम दुकानें गिन के आपको दिखाते हैं, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 से 10 दुकानें इस पूरे लेन में चलाई जा रही थी अवैध रूप से,
उन 10 दुकानों को ढा दिया गया है। उनका जो सामने का इलाका था उसे इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से ये दुकानें यहाँ पर चल रही थी। ये भी जो यहाँ से जो एंट्री है, ये पूरा चबूतरा जो है ये अवैध था। ये पूरा गेट आलिशान तरीके से जो बनाया हुआ था, ये एंट्रेंस था, यही सबको आरोप यही है। इसी की छत से हनुमान जयंती के दिन उस रोज यहाँ से पत्थरबाजी की खबर थी। एमसीडी के बुलडोजरों ने मस्जिद पर तो कार्रवाई की, लेकिन इसी मस्जिद के आगे एक मंदिर को कार्रवाई से बख्श दिया गया। सवाल उठे कि मस्जिद की तरह अगर मंदिर के बाहर अवैध निर्माण था तो फिर क्यों उसे छोड़ दिया गया। इस सवाल पर आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की पड़ताल से क्या निकला उसे आप जानें। उससे पहले हम एक समुदाय विशेष पर कार्रवाई के आरोपों का सच जान लेते हैं। उस जहांगीरपुरी को भी जान लेते हैं जहां पिछले 4 दशकों से हिंदू और मुसलमान शांति के साथ रहते हैं। लोग का मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। जहांगीरपुरी की कहानी साल 1975 में दिल्ली को सजाने संवारने की मुहिम से शुरू हुई, जिसकी कमान संजय गांधी के हाथों में थी। इस मुहिम की वजह से दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया और इनमें रहने वालों को जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बसा दिया गया। साल 1975 की बात है जब संजय गांधी ने दिल्ली को सजाने संवारने का काम शुरू किया। उस समय इसके तहत जो मुख्य सड़कें थी, जो मुख्य इलाके थे, वहां से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू किया गया। जहांगीरपुरी में पिछले 4 दशकों से हिंदू भी बसते हैं और मुस्लिम भी बसते हैं। इससे पहले इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये राजनीतिक दावा किया जाता है कि धर्म देखकर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, तो फिर इसका सच जान लेना भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या धर्म के आधार पर एक्शन हुआ? इस सवाल का जवाब आपको एमसीडी की कार्रवाई के बाद पूजा का समान बीनता ये परिवार देगा। ये रमन झा का परिवार है जो 3 दशकों से यहाँ पान की दुकान चलाकर गुजारा करता था, लेकिन एमसीडी के बुलडोजरों ने उन्हें धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं दी। नहीं, अब क्यों हमारा इसका एमसीडी द्वारा वो भी बना हुआ है, लाइसेंस भी है, बना हुआ है। जहांगीरपुरी के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं, अवैध निर्माण यहां की पुरानी बीमारी है, जिस पर हुई कार्रवाई में रमन झा का परिवार भी आ गया। अब गणेश कुमार गुप्ता से मिलिए, जो आज तक पर एमसीडी की कार्रवाई की खबर सुनते ही अपनी दुकान के कागजों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए, लेकिन अफसोस उनके कागज किसी भी अफसर ने नहीं देखे। बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूं कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है, 1977 में अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूं कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया आप? कोई नोटिस नहीं आया जी, हटाने से पहले कोई जानकारी? जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर अपनी कार्रवाई में भेदभाव नहीं किया, हालांकि इसमें कई आशियाने भी आ गई जिनमें रहने वालों के लिए आज का दिन बहुत भारी था। लेकिन सवाल ये है कि मस्जिद का चबूतरा तोड़ने वाला एमसीडी का बुलडोजर थोड़ी दूर पर बने इस मंदिर के अतिक्रमण पर क्यों नहीं पहुंच सका, इसका जवाब अब चित्रा त्रिपाठी से सुनिए। तरीके से जितने हिस्से पर कब्जा किया गया था, उन हिस्सों को यहां पर कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। आगे की तरफ आप जाएंगे तो सामने मंदिर और मस्जिद भी है, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मस्जिद के आगे अतिक्रमण वाले हिस्से को तो हटा दिया गया, लेकिन मंदिर के आगे वाले हिस्से पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो उसके मुकाबले कहना यह है एमसीडी का कि दरअसल जब तक हम मंदिर तक पहुंचते तब तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई। शाम होते होते इस मंदिर के अतिक्रमण को इससे बनाने वालों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो अवैध हिस्सा मंदिर के बाहर बनाया गया था उसे शाम को हटा लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जो कह रहे थे सुबह की मंदिर के आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम खुद ही हटा रहे हैं। अच्छा,
मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना तो हटा रहे। सुप्रीम कोर्ट के इतने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया है, वरना एमसीडी की योजना आज और कल दोनों दिन अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाने की। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हुए चले गए, लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आ जाने के बावजूद 2 घंटे तक ये कार्रवाई कैसे होती रही, इसको लेकर एक नया अध्याय दिल्ली की राजनीति में शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है, लेकिन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति राजधानी में कैसे बनी, और जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर जमकर, माना यही जा रहा है कि ये सियासत आगे आने वाले कई दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई करने वाले बुलडोजर तो लौट गए, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा गर्मा गया। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासी हमले खत्म ही नहीं हुए थे कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई ने इस मामले को और भी राजनीतिक बना दिया। जहांगीरपुरी में सारा एक्शन नॉर्थ एमसीडी की ओर से हुआ, जिस पर बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए राजधानी में पहली राजनीतिक जंग बीजेपी बना आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी। धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते? क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। पहले दिल्ली दंगा और फिर हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर से कार्रवाई, ये सब कुछ इतना ज्यादा अप्रत्याशित था कि सियासी खींचतान का दायरा बढ़ता ही चला गया और मामला दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच गया। कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन नहीं, क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है, और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उस जगह पे दंगे हुए थे, ये कौन सी टाइमिंग है? क्या हमने हीलिंग के लिए पर्याप्त प्रयास किए? क्या अनुसंधान मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया? इस बीच में आप ये बुलडोजर की कथा पटकथा लेके आ गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में अब किस तरह की रवायतों को आप जानते हैं। बीजेपी कानून को अपने हाथ में लेकर अपने, क्या कहेंगे, संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को, सिलेक्टिव पोलराइजेशन के एजेंडा को हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास जो कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया है। राहुल गांधी ने भी बुलडोजर वाले एक्शन पर सरकार की घेराबंदी करते हुए ट्वीट कर लिखा कि ये देश के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक राज्य प्रायोजित हमला है, इसके बदले बीजेपी अपने दिलों में नफरत पर बुलडोजर चलाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर इस तरह की कार्रवाई पहले किसी ने नहीं की। लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण करके घर बना लिए, जिस पर बुलडोजर चला तो हंगामा मच गया। ये एक रणनीति के तहत बुलडोजर आ रहा है, चूंकि हिंसा हुई है, हिंसा के बहाने ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एमसीडी का इलेक्शन भी है, तो एक मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहती है बीजेपी भी एक स्पेशल ड्राइव के जरिए, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हुई है। हालांकि जो आरोपी है वो कई पक्के मकानों में रहते हैं, अंसार का घर 4 मंजिला है, पक्के मकान है, वहां पर एमसीडी का बुलडोजर पहुंचे ऐसा लगभग ना के बराबर है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में हुई देरी से उठे। हालांकि जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर करीब 3 घंटे बाद रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई है, लेकिन इससे पहले 12 से ज्यादा अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है।
अरविंद ओझा, अंजना ओम कश्यप और अर्पिता आर्या के साथ शुभांकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। एमसीडी की कार्रवाई हुई जहांगीरपुरी में, कई इलाकों पर हुई, क्या जूस कॉर्नर, क्या मस्जिद, जहां भी अवैध निर्माण था उसे गिरा दिया गया। तोड़ना और जोड़ना कोई नई बात नहीं है। अगर इतिहास देखें भारत का, तो आधुनिक भारत में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति में तोड़ने से ही जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं। समझना ये भी होगा कि आज के दौर में जब राजनीति में हम ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण इन सब के आरोपों को देखते हैं, तो आज का जो हिंदुस्तान का बुलडोजर है वो कितना सांप्रदायिक यानी कम्युनल है, वो कितना सेक्युलर है, या फिर वो वोट बैंक का जरिया है। आपको ये भी दिखाएंगे कि योगी बाबा का जो बुलडोजर बाबा कहलाना है, यानी उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, और मामा चौहान, जहां शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर मध्य प्रदेश में, वहां से होता हुआ बुलडोजर कानून दिल्ली में आखिर क्या संदेश दे रहा है। बुलडोजर चल रहा है तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। यूपी में अपराध कंट्रोल करने वाला योगी फॉर्मूला अब दिल्ली पहुंच चुका है। ये योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ अचूक हथियार बनाया। बुलडोजर बाबा बात 2020 की है। बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद विकास दुबे फरार था। योगी की पुलिस ने उसकी कोठी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इसके बाद अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को योगी सरकार के बुलडोजर रौंद कर यूपी चुनाव में एंट्री मारी। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। लेकिन अखिलेश का ये दांव उल्टा पड़ा और योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को अपनी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बना दिया, जिसकी तारीफ खुद पीएम ने की। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। बीजेपी का ये अंदाज जनता को इतना पसंद आया कि उसने योगी को दोबारा सीएम बनाकर इतिहास रच दिया और जीत के जश्न में पूरे यूपी में बुलडोजर निकल आए। पिछले महीने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए, वहीं दूसरे आरोपी की फसल जेसीबी से बर्बाद कर दी गई। सिवनी में रेप के आरोपी का घर भी बुलडोजर से ढा दिया गया और शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा बन गए। एमपी की तरह गुजरात के खंबात में भी रामनवमी के दिन हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों को सजा दी गई। बिहार के छपरा में हत्या के दो आरोपी फरार थे, प्रशासन ने घर की कुर्की कर उस पर बुलडोजर चला दिया। इस तरह यूपी से चले इस बुलडोजर की यात्रा बीजेपी शासित राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दस्तक में जहांगीरपुरी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।